तो यूपी बजट पर बोले अखिलेश यादव, यूपी का विकास सिर्फ आंकड़ों में है, तो बजट में युवाओं के लिए कुछ नहीं, युवा घूम रहे बेरोजगार, लाठी खा रहे युवा। तो अखिलेश यादव ने योगी सरकार 2.0 के पहले बजट पर कहा कि सरकार ने वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, मैं जानना चाहता हूँ कि आय दोगुनी हुई, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, विकास सिर्फ आंकड़ों में दिख रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में विकास सिर्फ आंकड़ों में ही दिख रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि युवा बेरोजगार हैं। भाजपा सरकार में जनता महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से बर्बाद कर दी गई है। तो अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने वायदा किया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, विकास सिर्फ आंकड़ों में दिख रहा है। हर रोज सड़कों पर युवा धरना दे रहे हैं। यूपीएसआई का भी उन्होंने कहा कि यूपीएसआई दरोगा भर्ती में भी घोटालों की खबरों ने उन्हें परेशान कर दिया, युवा सिर्फ लाठी खाने के लिए सड़कों पर हैं। यह इस सरकार का छठा बजट है और इसमें सब कुछ घटा है, यह बजट नहीं बल्कि बंटवारा है। इस सरकार ने अपने 5 साल में जो घोषणा पत्र जारी किया था उसमें कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। अब इस सरकार का घोषणा पत्र लाइए और मिलाइए कि कितनी योजनाओं को सरकार ने लागू किया है, ये बजट नहीं बंटवारा है। इस सरकार ने अपने 5 साल में जो घोषणा पत्र जारी किया था उसमें कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन दोगुनी आय नहीं हुई। तो अखिलेश यादव ने बजट पर कहा कि ये सिर्फ आंकड़ों में है, विकास सिर्फ आंकड़ों में है, बजट में युवाओं के लिए कुछ नहीं, युवा घूम रहे हैं बेरोजगार, लाठी खा रहे हैं युवा। तो अखिलेश यादव ने योगी सरकार 2.0 के पहले बजट पर कहा कि सरकार ने वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, विकास सिर्फ आंकड़ों में दिख रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में विकास सिर्फ आंकड़ों में ही दिख रहा है, जबकि सच्चाई है कि युवा बेरोजगार है। भाजपा सरकार में जनता महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से बर्बाद कर दी गई। तो अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने वायदा किया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, विकास सिर्फ आंकड़ों में दिख रहा है, ये सरकार का छठा बजट है और इसमें सब कुछ घटा है, ये बजट नहीं बल्कि बंटवारा है। इस सरकार ने अपने 5 साल में जो घोषणा पत्र जारी किया था उसमें कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। आइए अब आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने। भूसा तक उपलब्ध नहीं करा पा रही है और भूसा के लिए भी जबरदस्ती दान चाहती है कि लोग दान करें। पिछले 5 साल में धोखा मिला, ये आंकड़ों का एक मकर जाल है जिसमें आप ढूंढते रहिए आपके लिए क्या है, आप ढूंढते रहेंगे आपको मिलेगा नहीं आपके लिए क्या है। सवाल ये है कि किसान की आय दोगुनी कब होगी, हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवान उनको नौकरी रोजगार कब मिलेगा। आज भी बड़े पैमाने पर भर्तियां सरकार नहीं कर पाई, पेपर आउट हुए हैं और एसआई जैसी भर्ती सोचिए, इतनी तैयारी के साथ की गई हो और उसमें घोटाला हो गया हो। 100 के लगभग लोग पकड़े जा चुके हैं, अगर 100 तक के लोग पकड़े जा चुके हैं, सरकार ये जानती है कि एसआई भर्ती में करप्शन हुआ है, इलीगल मीन से लोगों को पास किया गया है, तो इस परीक्षा को कैंसिल क्यों नहीं कर रहे। महिला सुरक्षा के लिए महिला डेस्क खोलने की बात कही जा रही है, सरकार बजट में बता रही है जो अनुदान है दिया जाना था वो बजट में चर्चा, किस चीज का अनुदान, मदरसे आपके समय में 125 करीब ऐसे थे। देखिए मैंने तभी आपसे कहा कि ये बजट छठा है लेकिन इस छठे बजट में सब कुछ घटा है। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ क्योंकि ये जो दो टर्म्स हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट और एम्प्लॉयमेंट रेट, जिस तरीके से सरकार हमेशा ये बताती है कि गन्ने का भुगतान इतना हुआ है लेकिन सरकार बकाया नहीं बताती है, इसी तरह सरकार हमेशा ये कहती है अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा ये है लेकिन एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है। इस सरकार ने पिंक बूथ बनवाए, 1090 का बजट बर्बाद कर दिया, आशा ज्योति केंद्र बर्बाद कर दिए, 181 में जो पर्याप्त बजट होना चाहिए वो भी नहीं है। आज सबसे ज्यादा एनसीआरवी के आंकड़े कहते हैं, जो एनसीआरवी के आंकड़े कहते हैं वो ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा महिलाओं पर बच्चियों पर घटनाएं अगर कहीं हो रही तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। और दूसरा जो पिछले साल का आंकड़ा है
अगर उस आंकड़े को आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हत्याएं अगर किसी प्रदेश में हुई हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हुई हैं, ये NCERB का डाटा कहता है। 12 लाख टैबलेट जिस सरकार ने लैपटॉप में नौजवानों को धोखा दिया हो, जिस सरकार ने स्मार्टफोन में धोखा सरकार को दिया हो, उस सरकार से क्या उम्मीद करेंगे आप? मैंने आपसे कहा है, ये छठा बजट है और सब कुछ घटा है इसमें, और ये बजट नहीं, ये बंटवारा है। नेता विपक्ष कितना नंबर देंगे? नेता विपक्ष इस सरकार को इसलिए नंबर नहीं देंगे, जिन्होंने पिछले 5 साल का अपना संकल्प पत्र पूरा ना किया हो, उनसे क्या उम्मीद कर सकते हो इस छठे बजट में? सबसे बड़ा बजट है अब तक का। हर साल इस तरह बजट बढ़कर के आएगा, जो अगली बार बजट आएगा वो इससे बड़ा बजट आएगा, वो उस समय का सबसे बड़ा बजट होगा। नहीं, रेटिंग हम इसलिए नहीं करेंगे कि सरकार का, देखिए कहने का तरीका क्या है, मैं अपने पत्रकार साथियों से भी कहूंगा, क्योंकि सरकार के लोगों से आपको मिलने का मौका मिलेगा। ये बजट में कहते हैं हमने किसानों को गन्ने का भुगतान इतना किया है, लेकिन ये सरकार बकाया क्यों नहीं बताती है? सरकार ये कहती है अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये है, तो सरकार एम्प्लॉयमेंट रेट क्यों नहीं बताती है? सरकार कह रही है आत्मनिर्भर बनाने का बजट है, नहीं बंटवारा किया है। इस सरकार ने पिछले 5 साल में जो अपना घोषणा पत्र जारी किया था उसमें ये कहा गया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। आज हम 2022 में हैं, छठवां बजट पेश हो रहा है, क्या सरकार बताएगी कि हमारे किसानों का, उनकी फसल का जो इन्होंने वादा किया था कि आय दोगुनी हो जाएगी, उसका जवाब क्या है सरकार के पास? जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है और लगातार महंगाई बढ़ रही है, जो कीमत दालों की है, तेल जो खरीदा जाता है उसकी कीमत, डीजल पेट्रोल की कीमत, सीमेंट की, स्टील की, और लगातार आप देखेंगे महंगाई बढ़ी है, इनके लगातार बजट आने से गाँव में उदासी है। हमारा नौजवान जो उम्मीद लगा करके बैठा था नौकरी और रोज़गार मिलेगा, आंकड़ों में तो दिखाई दे रहा है कि नौकरी और रोज़गार हैं, अगर सरकार के आंकड़े देखें तो आंकड़ों में तो दिखता है, लेकिन ज़मीन पर गांव में अभी भी बड़े पैमाने पर नौजवानों के हाथ में काम नहीं है, रोज़गार नहीं है, नौकरी नहीं है। और फिर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को इंफ्रास्ट्रक्चर में या गरीब की मदद के लिए योजना चलानी चाहिए थी वो सरकार नहीं चला पा रही है। जो गरीब हैं जिन्हें वादा किया था कि गेहूं भी मिलेगा, चावल भी मिलेगी, वहीं तेल भी खाने को अच्छा मिलेगा, चना भी मिलेगा, और अगर हम आंकड़े देखें सरकार करोड़ों बता रही है कि इतने करोड़ लोगों को, गरीबों को पहुंचाया है इन्होंने अनाज, क्या ये सरकार लगातार चलाएगी कि नहीं चलाएगी? और शायद गरीब बच्चों की इतनी दुर्दशा पढ़ाई की कभी नहीं हुई होगी जितनी 5 साल में हुई है, और इस बजट में भी नहीं लगता है कि बच्चों की पढ़ाई बेहतर हो पाएगी। प्राइमरी एजुकेशन को बर्बाद कर दिया इन्होंने। आज जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं वो ज़्यादातर बच्चे पिछड़े वर्ग के हैं, दलित समाज के हैं, सबसे समाज के गरीब बच्चे हैं, उनके पास ड्रेस अभी तक नहीं पहुंच पाई, न बन पाई है, जो खाने की चीज़ें मिलनी चाहिए थी मिड डे मील में वो नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं, सरकार फल उपलब्ध नहीं करा पा रही है। समाजवादी सरकार में हफ्ते में एक दिन दूध मिलता था वो उपलब्ध नहीं करा पा रही, जो बर्तन देने शुरू हो गए थे वो बर्तन नहीं उपलब्ध करा पा रही है, और इसके साथ साथ पढ़ाई के लिए जो किताबें उपलब्ध होनी थी वो किताबें भी सरकार नहीं उपलब्ध करा पा रही है। जिस सरकार ने कोर्स बदलने के बाद NCERT की किताब लागू करने के बाद बच्चों तक किताबें नहीं पहुंचा पाए हैं। सर, संकल्प पत्र में बहुत से प्रॉमिस किए थे लेकिन बजट में उनके लिए कोई बहुत प्रावधान, ये जो बजट है दिल्ली से जो मदद मिलती है उसका भी एडिशन बजट है ये,
जो 6 लाख करोड़ के लिए ताली बज रही हैं वो दिल्ली के बजट को जोड़ करके बजट है। और फिर कल भी मैंने कहा था कि दिल्ली की सरकार की एक मदद क्या है, अगर मुंबई से लेकर के दिल्ली तक एक्सप्रेसवे बन रहा है तो यूपी को क्यों छोड़ा जा रहा है, यूपी को क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है। और अभी भी जो पुरानी सरकार के काम थे वही दिखाई दे रहे हैं। सैनिक स्कूल कोई नया नहीं बना, अगर कोई सैनिक स्कूल के लिए बजट दिया गया हो तो बताओ वही पुरानी सरकार के जो सैनिक स्कूल हैं वही हैं। मेडिकल की जो व्यवस्थाएं थी गरीबों के लिए, ये दावा करती है सरकार कि मेडिकल कॉलेज लखनऊ में इतने ओपीडी हैं, इतनी संख्या में पीजीआई में लोग आते हैं, इतनी संख्या में लोग आपके लोहिया इंस्टीट्यूट में इलाज कराने आते हैं। लोग लाखों की संख्या में लखनऊ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जिले स्तर पे जो आपके अस्पताल होने चाहिए वो बर्बाद हो गए हैं। किसान के गन्ने का भुगतान का तो सरकार बताती है, लेकिन सरकार कभी ये नहीं बताती कि बकाया कितना है। क्या इस बजट में किसानों का अभी तक जो बकाया है पैसा वो मिल जाएगा? सरकारी सहकारी चीनी मिलों का तो सरकार बजट में रखे, लेकिन जो प्राइवेट मिल हैं उनका पैसे का भुगतान कब तक हो जाएगा?